हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी फिजिकल ज्योग्राफी फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1 एंड 2 जेएसएससी बीएसएससी आरआरबी एनटीपीसी बैंकिंग एग्जाम्स संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्राकृतिक भूगोल। इन दिस वी विल सी 51 वन लाइनर्स बेस्ड ऑन आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ये एकल पंक्तियों का संग्रह है जो कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला है, द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय, वर्ष में ग्रीष्म और शीत ऋतुएं किसके कारण होता है। इसका उत्तर है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, पृथ्वी का अपने झुके अक्ष पर परिक्रमा करने के कारण। दूसरा है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी, चुंबकीय मध्याह्न एक काल्पनिक है। क्या है ये? वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल। तीसरा है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना जो आसमान में घटित होती है का कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फोर्थ, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर्स नॉन एज, रोशनी का मंडल पृथ्वी को दो अर्ध गोलाकार भाग में विभाजित करता है, उसे कहते हैं डे एंड नाइट, दिन और रात। फिफ्थ इज, इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड, यदि किसी ग्रह का परिपथ एक दीर्घवृत्त है तो उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर सूर्य होता है, उसका नाम फोकस होता है, जिसे हिंदी में नाभि या केंद्र बिंदु कहते हैं। ये जो थियोरी दिया था ये कैपलर नामक एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इसकी थियोरी दी थी कि ये जो है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अंतर्गत ये पता चलता है कि अगर इफ़ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स देन सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई, दैट इज वन फोकस। सिक्स्थ इज, नेम द प्लैनेट दैट हैज़ अ मून कॉल्ड गिनीमेड, उस ग्रह का नाम बताएं जिसके एक उपग्रह का नाम गिनीमेड है, तो वो है जुपिटर, बृहस्पति। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, सेवेंथ है, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक भाग है। इसका उत्तर है, मिल्की वे, मंदाकिनी इसको हिंदी में कहते हैं। एट्थ है, बिटवीन विच टू प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड्स फाउंड, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। नाइन्थ, द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस हेल्ड टूगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज, तारों धुलकणों और गैसों के ऐसे विशाल समूह को क्या कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। टेंथ, द टर्म हिग्स बोसोन इज एसोसिएटेड विद, हिग बोसोन शब्द का संबंध किससे है, गॉड पार्टिकल से है। इलेवेंथ, द टाइड्स इन अ सी आर प्राइमरीली ड्यू टू, समुद्र में जो ज्वार आता है उसका आने का मुख्य कारण क्या है, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। ट्वेल्थ, द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द, सप्तर्षि नक्षत्र को पश्चिमी देश के लोग और किस नाम से जानते हैं, बिग डिपर, K
के नाम से जानते हैं। 13th, द नंबर ऑफ डेज फॉर अ ईयर ऑन मरकरी इज, बुध ग्रह पर एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 88 दिन, 88 डेज। 14th, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर एज, क्षोभ मंडल में ताप के कम होने की गति कितनी है? 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। दैट मीन्स कि अगर हम एक किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ऊंचाई हमारी एक किलोमीटर ऊपर बढ़ेगी तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, सन के चारों ओर मतलब ग्रहों की संख्या कितनी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो 8 है। 16th, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। 17th, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य से क्या तात्पर्य है? सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का लंबे समय तक चमकना मध्य रात्रि के सूर्य कहलाता है। 18th, इन द सन हीट एंड लाइट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय, इन द सन मतलब सन में हीट एंड लाइट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय, सूर्य में ताप और प्रकाश ऊर्जा किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन से होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें दो हल्के नाभिक जो है आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और उस प्रोसेस में टर्मेंडस अमाउंट और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ताप और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। वही प्रकाश ऊर्जा और ताप हमें प्राप्त होती है और यही प्रकाश और ताप ऊर्जा पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हर एक जितने भी एनर्जी हैं उन सभी में कहीं ना कहीं इनका हाथ है। कुछ जैसे अब वो खुद ही अगर नाभिकीय विखंडन वाला जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वाली जो एनर्जी है उसकी बात अगर छोड़ दें तो बाकी सब में ये प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है उन्हीं की वजह से ये हम एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस प्राप्त करते हैं। 19th, द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ विच रिजेंबल्स इन साइज डेंसिटी एंड मास, वह ग्रह जो पृथ्वी के आकार घनत्व और भार से हूबहू मेल खाता है, तो वो वेनस है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले दिखने वाला सुबह और सुबह भी हमें दिखता है ये और शाम को सबसे पहले दिखने वाला ये ग्रह है। 20th, द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? तो ये डेट पूछ रहे हैं, 3 जनवरी को सबसे पास होता है, सबसे निकट होता है अर्थ सूर्य के। 21, डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, दिन और रात बराबर होते हैं इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। 22, ऑन एन एवरेज एयर कंटेंट्स 10% ऑफ वाटर वेपर, औसतन हवा में 10% जलवाष्प की उपस्थिति होती है, 3%। 23, हु वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सर्वप्रथम किसने बताया था कि दिन और रात की घटना पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है? ये हमारे देश के बहुत नामी जो एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने ये बताया था, इस थियोरी को दिया था। 24, इक्लिप्सेस अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेना, प्रकाश के किस गुण के कारण ग्रहण होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब प्रकाश का सीधी रेखा में गमन जो होता है उसके कारण इक्लिप्सेस होते हैं, मतलब ये जो लूनार इक्लिप्स एंड सोलार इक्लिप्स होते हैं हमारे पास। 25, विच गैस वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन, सूर्य के वर्णमंडल में सर्वप्रथम किस गैस की खोज हुई थी? हीलियम।
हीलियम की खोज हुई थी सबसे पहले। 26, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 degree ऑफ लैटिट्यूड, एक डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, 111 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज, किस वैज्ञानिक ने ये सर्वप्रथम खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कॉपरनिकस, अभी बताया था आपको कॉपरनिकस ने दिया था प्लेनेटरी मोशन के बारे में, थियोरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। 28, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज ऑन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को होता है। 29, विच प्लैनेट हैज़ द लीस्ट मास, किस ग्रह का भार सबसे कम है, मरकरी, बुध ग्रह का भार सबसे कम है। 30, विच प्लैनेट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 rotation ऑन इट्स एक्सिस, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन में सबसे कम समय लगाता है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह सबसे कम समय लगाता है। 31, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 minutes and 20 seconds अप्रॉक्सीमेटली, 8 minutes and 20 seconds लगभग। 32, हु डिस्कवर्ड यूरेनस, यूरेनस की खोज किसने की है, विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की है। 33, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 34, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर किस तिथि को होता है, 4 जुलाई, 4 जुलाई को होता है। 35, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह है वेनस, शुक्र ग्रह, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। 36, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में से किस दिशा की ओर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ये जो है काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र क्या है, अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन द स्काई ड्यू टू देयर पोजिशन इन द स्पेस, तारों ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति का एक निश्चित स्वरूप नक्षत्र कहलाता है। 38, नेम द प्लैनेट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 150 million kilometers अवे फ्रॉम द सन, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, अर्थ हमारी पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है ये, और यही 150 मिलियन ये लगभग है, तो इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। 39, व्हेन एंड वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ अर्थ आर बिगेन, कहाँ और कब अर्थ आर की अवधारणा शुरू हुई थी, इन मार्च 2007 इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवधारणा शुरू हुई थी। 40th, विच इज़ द लार्जेस्ट सेटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि जुपिटर का है। 41, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है, 384,400 kilometers, 384,400 kilometers पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। टाइम टेकन बाय द मून लाइट टू रीच द अर्थ, कितने समय में चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है, तो 1.255 seconds में, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.2 seconds भी लिख सकते हैं, या जो भी ऑप्शन होगा नियरेस्ट वही हमें लेना पड़ेगा। 43, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ऑब्वियसली पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, सन, सूर्य। 44, सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है, दूसरा निकटतम तारा है। 45, द प्लैनेट्स विच स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्पिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा से विपरीत दिशा में
कौन से ग्रह घूर्णन करते हैं, तो ये ऐसे दो ग्रह हैं, वेनस और यूरेनस, मतलब यूवी, आप याद रख सकते हैं यूवी से शुक्र और अरुण, यूरेनस एंड वेनस। 46. द प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, वह ग्रह जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सैटर्न की संख्या सबसे ज़्यादा है, सैटर्न के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 82 सैटेलाइट्स हैं सैटर्न में, ये भी लास्ट ईयर ही 2019 में पता चला है वो कि जो शनि ग्रह हैं उसमें 82 उपग्रह हैं, और इस तरह से ये 20 उपग्रह की पता चला एक साथ, तो इसलिए ये सैटर्न अब आगे हो गया है, और जबकि जुपिटर के 79 ही सैटेलाइट्स हैं। 47. हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज जुपिटर हैव, बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 79 अभी हमने डिस्कस करा। 48. द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, पृथ्वी अपने एक्स पर कितने समय में घूर्णन पूरा करती है, तो 23 hours 56 minutes, मतलब 23 घंटे 56 मिनट में। 49. द लूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन, सूर्य ग्रहण कब होता है, इट इज़ सूर्य ग्रहण नहीं, ये चंद्र ग्रहण होना चाहिए, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है, 365 दिन, 365 days एंड 5 hours अप्रॉक्सीमेटली, 365 दिन और 5 घंटे में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन लाइनर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है, 460 meters per second, 460 meters per second बहुत टर्मेंडस है, इतनी गति से तो पता नहीं कुछ भी नहीं चलता, लेकिन हाँ ये है। तो इस तरह से हमारा आज 51 वन लाइनर की सीरीज ये वाली ख़त्म होती है। अब हम फिर जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वन लाइनर के साथ और दूसरे जीके के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब MNC एजुकेशन।